हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी छोटे छोटे मछली से पत्ता गोभी। तो चलिए पहले गैस को ऑन कर लेते हैं। अब फ्राइंग पैन में ऑयल डाल देते हैं। हमें छोटे छोटे मछली को पहले फ्राई कर लेना है, इसलिए इसने हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें मछली को डाल दूंगी। इसे बंगाली में मोरोला फिश कहते हैं। इससे पत्ता को भी बहुत अच्छा लगता है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके इसको उठा लेना है, फिर इसमें डालना है 5 फरन एंड सूखा मिर्च। बहुत ही कुरकुरा करके इस चीज को फ्राई करना है। मछली फ्राई हो गया है, अब इसे उठा लेते हैं। अब मैं इस ऑयल में डाल देती हूँ 5 फरन। अब इसमें डालूंगी आलू, ग्रीन चिली, प्याज और कच्चे टमाटर। अब इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा फ्राई करके इसमें पत्ता गोभी डालूंगी। अब इसमें डालूंगी पत्ता गोभी। बहुत ही टेस्टी बनता है, अब घर पे जरूर ट्राई करना। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो पे लाइक देके शेयर कर देना। और मेरी चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर करीब 1 टीस्पून और डालूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून और डालूंगी स्वाद के अनुसार शक्कर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा ढक दूंगी। अब इसको उठा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पत्ता गोभी से कितना पानी निकल गया है। अब इसमें ये जो छोटा मछली है ये डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा तीखा लाल पाउडर जस्ट कलर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आलू बॉईल हो गया है कितने अच्छे से। पत्ता गोभी में अलग से पानी डालना नहीं पड़ता है, इससे जो पानी निकलता है उससे ही सब्जियां बॉईल हो जाता है। मेरी पत्ता गोभी बिल्कुल रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसको दूसरे एक बोल में ट्रांसफर करके दिखाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, छोटे मछली से पत्ता गोभी बिल्कुल रेडी है।